दृढ़ इच्छा शक्ति थिले केहि काकु अटकाई पारिबो नाही। दीर्घ वर्ष व्यवधान रे भंजनगर माटी रे पाद दे निजकु गर्व मने करूछि, कारण माटी रे मोर खड़ी छुआ तथा अक्षर लेखा आरंभ होइथिला। एकथाकु मु केबे भूलिबि नाही। ए माटी रु मु अक्षर सिखिथिबारु मो घर ओ साहित्य आज सुदृढ़ होइछि। एभळि किछि नुवा कथा संवाद साहित्य घरर वार्षिक उत्सव रे जोग दे संवादर संपादक तथा साहित्य घरर प्रतिष्ठाता सौम्यरंजन पट्टनायक मत प्रकाश करिछन्ति। मनर म अक्षर कु पांचटी एम प्रकार रे बुझाइ मा माटी मातृभाषा मोबाइल और मदमुक्त ओडिशा विषय रे निजर मत रखिबा परे भंज माटी रे तांकर शिक्षा आरंभ होइतिला। एही माटी रु तांकर अक्षर शिक्षा अभियान आरंभ होइतिबारु से साहित्य रे ते सुदृढ़ बोली मत रखिथिले। भंजनगर शहर रो नाम पूर्वरु रसलकुंडा नाम थिबा शहर रे से निज खड़ीछुआ एही माटी रे करथिले। सतकु संगत कले साहस आसीब ओ निडर होइ आपण लीडर होइ परिबे, एबलि परामर्श से भंज माटी रो साहित्यिक मानंकु प्रदान करथिले। ए कार्यक्रम रे जोग देई राज्य राजनीति किभली स्थिति रे करुछि, गणमाध्यम भूमिका राजनीति वाला एते असहाय होइपरिनि एवं आम शासन व्यवस्था किभली कबलित होइछि से उपरे आलोकपात मत रखिथिले। दृढ़ इच्छा शक्ति थिले केहि काकु अटकाई पारिबे नाही बोली कहिछन्ति। ओ वर्ष परे पुणि थरे भंजनगर साहित्य घरर वार्षिक उत्सव रे जोगदबार सुजोग मिलिला। मु अत्यंत आनंदित जे 10-11 वर्ष तले जो उत्साह उद्दीपनार सहित मैंने वार्षिक उत्सव पालन करते दिन पर अधिक पचे किसी उणा ही नहीं। जो ढंग से सब वर्गर ओडिया भाषा को भल पाता एवं तापर निर्भर करुवा व्यक्ति मानू जोड़ा जापारी स्कूल छात्र छात्री लेखक लेखिका एवं स्वेच्छासेवी अनुष्ठान विपदर बंधु पड़ती भाई रक्तदान करुवा युव बंधु मान समस्त को साहित्यिक बंधु मैंने जोड़ी पार्टी एवं अत्यंत सुंदर श्रृंखलित भाव में सब वर्गर लोक जो ढंग से कार्यक्रम कर भावुची साहित्य घर केवल गप कविता लिखा व आलोचना करवा नुहे सब वर्गर लोक जोड़ी एक समन्वय प्रतिष्ठा करवा आम भितर ओडिया भाषा और साहित्य प्रति जो आदर करार जो परंपरा अच्छे भंजनगर साकार कर स्वाभाविक भाव में आश्चर्य हमारे किसी ना भंज मटी एक नहब तो कौ मटी हम जुब सांबादिक मान उत्साहित करने ढंग से सांबादिकता धर्म को पालन करतु यदि प्रकृत में से सफल होगा चाहते से मैंने तृतीय नयन होगा चेष्टा करतु द्वितीय नयन दुई नयन है गोटे है सरकारी कल आ गोटे राजनैतिक दल तृतीय नयन जहाँ को शिव बोली कहे से ये दुई जन ठारु निरापद दूरत रही तृतीय नयन बा शिवों परी हेबा को पड़े शिवों परी हेबा को हेले जो कथी दरकार एत सहज नुहे शिवंकर अन्य नाम है आशुतोष अल्पकरे संतुष्ट हुआ तांकर अन्य नाम है कृतिवास तुम पोशाक परिच्छन्न एवं अन्य सब विशेष आडंबरपूर्ण होगा उचित नुहे आम शिव हो पारे तृतीय नयन कार्य कर दुई नयन जहाँ देखुची आ शुणुची ता नक अन्न तृतीय नयन काम कर साहित्य एवं राजनीति को दृष्टि देखते समाज को कौन वार्ता देवा चाहिए साहित्य लक्ष्य जहाँ राजनीतिर लक्ष्य मध्य से उभय समूह हित चेष्टा करती बोली कहती यदि समूह हित समस्त लक्ष्य है तेल साहित्य राजनीति अलग हवा कथा नुहे केवल अलग एतिक राजनीतिर बाट अलग लोक संगठन करेंगे भोट्रे जितबे क्षमता को आसबे काम करेंगे किंतु साहित्यिक लेखनी बल एभली परिवेश करेंगे ये नीति निर्धारण बेले राजनैतिक लोक मैंने द्वारा प्रभावित हे सर भंजमाटी में जो खड़ी छुआ कथ मुझे छुआटे मोर बड़ भिणी जेक बर्तमान नहांती मुखे रोली छुआटी है फल जिते खड़ी छुआ कथा जो शिक्षा आरंभ कथा है रसुल कुंडारे से कथाटी बड़ भौणी के पाखे थिला बेले हेइतला तेणु भंजमाटी को मु मोर खड़ी छुआ माटी बोली कहे। सर आप आज कथा प्रसंग जमी कहले जो सत कह आजिकाली प्रश्न को कई पसंद करूना
प्रधानमंत्री प्रश्न पचारे भल पा ना प्रेस कन्फरेन्स करूँ आम मुख्यमंत्री भी तो कई प्रश्न पचारती ना आक प्रश्न पचारे से तार उत्तर देवा चाहूना शिक्षक मैंने तो पिला प्रश्न पचारे माड़ मार खराब बोली भाव तेणु प्रश्न पचार परंपरा जहाँकि गणतंत्र मूलमंत्र दुर्बल हो जाऊ आम समस्ते से सचेतन होगा दरकार आ सांबादिक भाई तो सबुठ बेसी प्रश्न न पचारे से खबर आणव कौठ प्रश्न पचारे बर्तमान आमको सेक्रेटेरिएट भितर को जीवा मना ता सहित कथ कह मना बाट अच्छी बाट अच्छी खबर संग्रह करने केवल गोटे बाट नुह के मना कर भंजनगर रु गोविंद चंद्र गौड़ रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।